सुप्रीम कोर्ट भले ही इस बात का नोटिफिकेशन जारी कर दे कि किसी भी सरकारी सहायता को लेने में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, मगर सरकार की किसी भी योजना, यहाँ तक कि छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में भी आधार को अनिवार्य बना दिया गया है, जिसके चलते लोग बेइंतहा परेशान हैं। पहले आधार की सुविधा कई कई स्थानों पर दी जाती थी, जिससे कोई भी आधार को आसानी से बनवा लेता था, मगर पिछले कुछ महीनों से ये सुविधाएँ प्राइवेट तौर पर ख़त्म कर दी गई हैं और पोस्ट ऑफिस तथा कुछ बैंकों में आधार बनाने और उसमें संशोधन का काम शुरू करा दिया गया है। अगर हम बिजनौर मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर सुबह 4 और 5 बजे से ही लोगों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है, जबकि डाकखाना खुलने का समय सुबह 10 बजे है। सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएँ यहाँ पर लाइनें लगा लेते हैं, जबकि डाकखाने को सिर्फ 25 टोकन बांटने होते हैं। अब जिनको टोकन मिल गया उनका तो शाम तक नंबर आ ही जाता है, मगर जिनको टोकन नहीं मिलता उनको फिर अगले दिन बुलाया जाता है और फिर से वही जद्दोजहद शुरू हो जाती है। नजीबाबाद के SBI में आधार कार्डों में संशोधन किया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इतनी गर्मी में घंटों लाइन लगाकर लोग चक्कर खा खा कर गिर रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ पर अवैध वसूली का आरोप लग रहा है। लोगों का कहना है कि आधार में संशोधन की सरकारी फीस मात्र 50 रुपये है, जबकि बैंक में 80 रुपये लिए जा रहे हैं और बाकायदा इसका नोटिस भी लगा हुआ है। जब हमारे संवाददाता द्वारा 80 रुपये लेने की बात पूछी गई तो बैंक कर्मी ने बताया कि वो एक प्राइवेट आदमी है, उसको कहीं और से सैलरी नहीं मिलती, इसलिए वो यहाँ पर ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है। क्या नाम आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? आप यहाँ पर क्यों आए थे? ये आधार कार्ड सही कराना था, मैं सिर्फ सही कराना है, मतलब आधा सही कराना है, किसी दिक्कत के लिए ना तो स्कूल में सही हो रहा है ना यहाँ पे सही हो रहा है। कितने दिन से? हम 7 बजे से। कितने दिनों से परेशान हैं आप? हम 1 हफ्ते से। क्या नाम आपका? यहाँ आपका किस काम से आए हैं? आधार कार्ड बनवाने के लिए। कितने पैसे ले रहे हैं आपसे? 80 रुपये। यार इतनी सी बच्ची को लेके आए हुए हैं 7 बजे से, ये लेडी सर हम ये साथ में लगे हुए हैं, अभी तक कोई इस कदर परेशान कर रखा है कि अंदर से बदतमीजी कर रहे हैं, वो कभी बाहर निकाल रहे हैं औरतों, कभी अंदर, कभी हाथापाई कर रहे हैं। संजय नाश्ते तक तो नहीं हुआ अभी लोगों का। कौन लोग कर रहे हैं? समझे नहीं, सभी है ये बेचारे, इसके तो हाथ में भी देखो प्रॉब्लम है, ये भी खड़ा हुआ है बेचारा, समझे। क्या परेशानी है आपके यहाँ पर बताओ जी? आधार कार्ड ही बनाना था और सर क्या बोलते हैं, वहाँ गए तो इन्होंने लिफ्ट फाड़ दी, लिफ्ट फाड़ने के बाद दूसरी लिफ्ट बनाई और उसके बाद पता नहीं अभी तक कोई नंबर आने के लिए तैयार नहीं, 1 बजने के लिए तैयार है सर। अब क्या करिए बताओ, आप खुद बताएं। कितने पैसे ले रहे हैं? ये 200 रुपये ले रहे हैं। नहीं, 80 रुपये ले रहे हैं। भैया आधार कार्ड की कितनी फीस है जी? कितनी फीस आधार कार्ड की? आधार कार्ड की 50 रुपये संशोधन के हैं। और जो बना रहे हैं नए आधार कार्ड उनकी फीस कितनी है? 25 रुपये है, 50 रुपये। तो आप 80 रुपये ले रहे हैं यहाँ पर, लोगों का कहना है 80 रुपये ले रहे हैं। पूछ लीजिए जो भी है, 80 रुपये बता ले रहा हूँ। 80 रुपये बता रहे हैं संशोधन के? नहीं, 80 रुपये बता रहे हैं ना, 80 रुपये ले रहे हैं। नहीं, कौन है? नहीं, वो नहीं ले रहे हैं। तो स्लिप देंगे इसकी, आपकी रसीद की? जी, स्लिप पे लिखा हुआ है, इस पे लिखे हुए दिखाऊंगा मैं। हाँ, दिखाई जरा। चलिए, अभी करते हैं तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है? कौन परेशान करते हैं आपको? पब्लिक मुझे कहती है, जैसे कोई क्या नाम है अजनबी आते हैं, तुम इतने ले रहे हो या क्या नाम है, तुम्हें मुझे मानने को आधार कार्ड बना रहे हो, तुम्हें निकाल के दो। मैं जब आपसे उससे कह रहा हूँ तो मेरे साथ भी बदतमीजी हो रही है, उसके लिए क्या हुआ? मेरे लिए क्या? कौन बदतमीजी करती है आपके साथ? पब्लिक करती है। तो आपके सामने सिक्योरिटी गार्ड तो है यहाँ पर, करते हैं, इनसे पूछ लीजिए इनके सामने कितनी बदतमीजी करते हैं। ये आपकी कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं? बहुत हेल्प कर रहे हैं, यही हेल्प। जब हेल्प कर रहे हैं फिर बदतमीजी कैसे करते हैं? हेल्प ना करें तो लोग आगे मुझे मार पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे नहीं बना रहे हैं आपको, बैंक के अंदर आपको कौन मार देगा? यहाँ वो तो नहीं मारेगा आपको, आपके सामने 3-3 गार्ड खड़े हुए हैं, फिर सब वही सपोर्ट करते हैं मेरे को, वो ना हो। नहीं, आप ज्यादा पैसे ले रहे हो इसलिए कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी से एक लिमिट के बाहर बाहर मैंने भी रिकॉर्डिंग करी, बता रहे 80 रुपये ले रहे हैं आप, सरकारी रेट 25 और 30 रुपये, क्यों ले रहे हैं 80 रुपये आप? तो क्या नाम है सर, मेरी पे नहीं है। नहीं, पे नहीं, मतलब पैसे क्या मतलब? तो आप मुझे बताइए, आ रही है मेरी तनख्वाह? अरे पैसे मतलब नहीं, जो सरकारी रेट उस दे लीजिए ना फिर। तो सर मैं, अच्छा ये खर्चा कैसे करूँ मुझे ये बताइए। तो बंद कर दीजिए, घर बैठिए आप क्यों कर रहे हो, जनता को लूट रहे हो आप? नहीं, मैं जनता को तो नहीं लूट रहा हूँ,
आप 25 रुपए डेट है जनता के, आप 80 रुपए ले रहे हैं, ये क्या है? मैं कमीशन बेस पे आया हूँ, आपको उस पे लिखिए आप उसके अंदर, मैं तनख्वाह पे नहीं आया। भैया तो आपके अधिकारी ले रहे हैं वो? फिर नहीं, कोई नहीं ले रहा। फिर आप ले रहे हैं? क्या नाम है, 50 रुपए यहाँ रोज जमा करके जाता हूँ, जितने लेता हूँ उसे यहाँ आपको स्लिप दिखा सकता हूँ मैं।